गायत्री मंदिर ट्रस्ट द्वारा आमली खाते जगह आप आमली खाते छ महीना खसेड़ा पर आ बाबत ने बे वर्ष करता वधु वीती जता गायत्री मंदिर ट्रस्टना ट्रस्टीओ वेपारी पासेथी जग्यानुं भाड़ू वसूलवानुं नक्की कर्युं हतुं। मळती माहिती मुजब आ भाड़ू रूपिया 2000 प्रति मास राखवामां आवे छे। आ उपरांत नगरपालिका द्वारा पण वेपारीओ पासेथी मासिक टेक्स लेवामां आवे छे। शाकभाजीना छूटक वेपारीओ अने बहેનોને आ भाड़ू खूब ज वधारे लागता तेओ नगरपालिकाना चीफ ऑफिसरने आ बाबते रजूआत करवा गया हता, परंतु चीफ ऑफिसर रजा ऊपर होवाथी आ बाबते कोई पण प्रकारनुं समाधान थयुं नथी। जो ट्रस्ट द्वारा आ जग्या खाली करावी देवामां आवे तो छूटक वेपार करती महिलाओनी रोजीरोटी छીનવાઈ જવાનો ભય રહેલો છે। આ બાબતે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર વચ્ચેનો રસ્તો કાઢી સમાધાન કરાવે એ જરૂરી બન્યું છે। જે મંદિર ટ્રસ્ટ કા જગા હે और हम लोग गायत्री परिवार के ट्रस्टी है और रामजी परिवार के ट्रस्टी है। मैं दोनों का प्रमुख हूँ। पहले ये ऐसा था कि 30 साल के लिए भाड़े पे दिया था लेले कंपनी को, जिसकी जगह पे उसने 50 साल निकाला। हम लोग ने हाई कोर्ट में जाकर उसको निकालने को खाली करवा दिया। फिर बाद में आया साहबगाजी मार्केट जो नाके पे थी, उसको उठा दिया नया बनाने का ऐसा करके। तो मैं इस वार्ड का काउंसिलर हूँ और पहले से आमली में रहता हूँ। तो ये जगह कुछ काम का है तो मैं बोला दे दो, चलो 6 महीने के लिए वांधा नहीं, हमको कोई भाड़ा भाड़ा नहीं चाहिए, 6 महीने के लिए आप कर डालो। 6 महीने के लिए इन लोग आए थे इधर, हम लोग ने कोई उसके पास भाड़ा भाड़ा लिया नहीं। बात करते करते 2 साल गुजर गया, तो 2 साल के ऊपर हो गया साहब को वापस मिले। साहब बोलते हैं अभी नया होने वाला है, आप थोड़ा दम रुक जाओ। फिर एक बार वापस हम लोग 15 दिन के पहले गए थे कि साहब कुछ करिए इसमें, क्योंकि हमारा भाड़ा जा रहा है। अभी आपको मालूम है कि बीच में अभी चौकडोर वगैरह लगा था, हमको 1,80,000 रुपये भाड़ा आया था उसका। तो हर साल हमको मतलब खुट जा रहा है, इसलिए हम लोग ने सोचा कि ये जो सब्जी मंडी वाले जो है, ये लोग दूसरे को भाड़े पे देते हैं, नाम अपना रखते और भाड़े पे दूसरे को देते हैं। 5,000-3,000 उन लोग भाड़ा लेते हैं। तो मैंने बोला कि भाई हमको 3,000 रुपये भाड़ा चाहिए और नया बनाए तो उसको लोग जाने को रेडी नहीं है। तो 3,000 रुपये भाड़ा बोला तो सब लोग बोले कि नहीं नहीं सब ज़्यादा है। मैंने खुद ने ऐसा बोल दिया, चलो भाई 2,000 नक्की कर डालो आप और पैसे दे दो, वो भी वापस 5-6 महीने के लिए, दिवाली के बाद आप खाली कर देना। ये बात हुआ और हम लोग हमारे ट्रस्टी लोग कल आए थे तो बोले नहीं भरा देंगे, ये मवाले हम लोग अभी कंपाउंड कर रहे हैं। अमारा तो धंधो थाय नहीं, अमे केम करते भाड़ भरी आटलू, एम नगरपालिका में तो भरीए पण अहीं आटलू भाड़ अमे केम करते भरी। धंधो तो अमे आखो दिवस माल भरीए, 200 रुपया अमे धंधो नहीं थाय अमारो, अमे गरीब लोग केम करते अमे पेट भरवानो, मारो भाड़ केम अमे आटलू भरवानो। आज ही बंद कर्यो? हाँ आज ज बंद कर्यो, ना माल एटलो भरलो छे अमे। કેટલા વર્ષથી અમે અઢી વર્ષથી અમને 6 મહિના કરીને લાવેલા, ને 6 મહિનામાં અમને ઉઠાડી મૂકવાના હતા, ની એ લોકોને મરજી હતા, અમને કેમ આજ સુધી બહાડી મૂક્યા? હવે અમે ક્યાં જવાના, અમને હમણાં મોકલાવે તો નગરપાલિકામાં ગયેલા કાલે સર? આ વાત સીઓ સાહેબને કહેવામાં આવેલી હતી, એ કહીને મેં આવ્યા હતા, સીઓ સાહેબ મિલે તો અમલોક સીઓ સાહેબને બોલા કે દેખતા હું મેં ભાડા યા लाइसेंस का कुछ भी पैसा कम करने का कोशिश करूँगा। सर ने हमको ऐसा बोला था, लेकिन सर हम लोग कल गए तो सर छुट्टी पे था, तो हम रजनी बहन से मिले, हम सुमन भाई काउंसलर सुमन भाई हमारे साथ थे और हम लोग रजनी बहन से मिले। तो रजनी बहन बोले कि इतना 2-2.5 साल हो गया तो किराया नहीं लिया गया था। तो सर ये मंडी में अभी ऐसा हुआ कि हम लोग एक साइड कर दिया है, ट्रक्स वाले की जगह था तो एक साइड कर दिया झोपड़ा तोड़ के, तो हम लोग 6-6 फुट नाप के दिया जगह, तो नाप के दिया। तो सर ऐसा हुआ उसमें कि किराया जिस दिन वो मीटिंग था उस दिन क्या 5-6 लेडीज गई थी और सर 8-10 मतलब ये आदमी लोग था सर, लेकिन हम लोग ने तो यही बोला, हम लोग ये भाड़ा क्लियर नहीं किया था। हम लोग सुना, हम लोग बोला कि हम लोग को है ना, तो हमको सबको 5 ही हम लोग धंधा करने वाले भाई लोग नहीं है, हमको मीटिंग करना चाहिए। हमारा वेंडर भाई लोग को बोला गया कि सब मिल के पहले मीटिंग करो, उसके बाद भाड़ा का आप बोलो। कितना भाड़ा? भाड़ा 3,000 बोला था, 3,000 बोलने पे बाद में धीरे से बोला 2,500 पे तो 2,000 बोलने में, तो हम लोग बोला कि भाई लोग हम लोग मीटिंग करेंगे उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। रेस्ट वाला बोल रहा है कि नहीं आप लोग दूसरे का भी भाड़ा भी दे रहे थे? सर दूसरे का भाड़ा नहीं दिया है, कौन दिया है दूसरे का भाड़े? हम लोग नहीं दिया है। दुकान लगा के दूसरे का भाड़े पे देते नहीं सर, हम लोग जब से मंडी आया तब से का कोई भाड़े पे दिया नहीं। आप लोग खुद ही रहते? हम खुद बेचते हैं यहाँ, एक दिन बेचा नहीं कि सर हमारा दुकान बंद रहता है, हाँ कुछ काम रहता है तो। हाँ नगर पालिका लाइसेंस का भी हम लोग पैसा भरते हैं यहाँ, हम लोग
मानते हैं कि यहाँ उनकी पर्सनल जगह है, पर्सनल ट्रस्ट की जगह है, तो सर भाड़ा देंगे ऐसा सोचा था, लेकिन हम लोग क्या नगर पालिका से पहले हम लोग नगर पालिका उठा के लाए थे, नगर पालिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि सर नया बनाया है, नया 180 दुकान है सर, वो पूरा भरा गया है वहाँ, तो हम लोग बाकी बचे हैं डिटेल वाले हैं सब। वहाँ पे BWD रास्ते में मांगे थे क्या? PW के यहाँ हम लोग जहाँ से उठाए थे ना, तो सर वो लोग बोले थे 6 महीने में मंडी बना के देंगे, आज 2.5-3 साल होने आ रहे हैं सर, तो अभी उस दिन CEO साहब के पास गए हम लोग को ये बोला गया कि आपको मंडी बना के दिया जाएगा, बहुमाड़ी के पास ही दिया जाएगा, लेकिन अभी 6 महीना और लगेगा, तो 6 महीने का सर हम लोग ये बोला कि 6 महीना अभी इतना साल भाड़ा नहीं लिया सर, हम लोग डबल लाइसेंस का भाड़ा किराया और यहाँ का लाइसेंस का सबका किराया कैसे हम लोग साथ में देंगे, क्योंकि यहाँ सर धंधा नहीं हो रहा, आउटसाइड हो गया है सर।